दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2024 के 64वें मैच में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। एक तरफ इस सीजन में लखनऊ 12 में से 6 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में 6वें नंबर पर है, तो वहीं दिल्ली 12 में से 7 मैच जीतकर 5वें पायदान पर काबिज है। दोनों टीमों में प्लेऑफ में पहुंचने को लेकर हुड़ मची है। ऐसे में मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 के आधार पर कंपैरिजन करने वाले हैं और जानेंगे कि कौन सी टीम टॉप ऑर्डर में है, कौन सी टीम मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर में दमदार है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको भी है एलएसजी और डीसी के बीच मुकाबले का बेसब्री से इंतजार, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कंपेरिजन से पहले जानते हैं लखनऊ और दिल्ली के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। तो अब तक आईपीएल में इन दोनों टीमों के बीच केवल 4 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 3 मैच लखनऊ ने जीते हैं और सिर्फ 1 मैच दिल्ली जीत पाई है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कंपेरिजन। सबसे पहले नज़र डालते हैं टॉप ऑर्डर पर, तो एलएसजी के लिए ओपन करेंगे क्विंटन डीकॉक और केएल राहुल। नंबर 3 पर मार्कस स्टोन्स उतरेंगे, जबकि डीसी की तरफ से जैक फ्रेजर, मैकगर्ग और अभिषेक पोरेल ओपनिंग करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर साई योप खेलेंगे। कंपेरिजन करें तो टॉप ऑर्डर में एलएसजी और डीसी का पलड़ा बराबर है। पिछले 2 मैच में एलएसजी के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज रन बनाने में फैल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इस सीजन में एलएसजी के टॉप ऑर्डर ने रन बनाए हैं। खासकर राहुल और स्टोनिस ने अच्छी बल्लेबाजी की है, जबकि डीसी की तरफ से युवा ओपनर जैक फ्रेजर, मैकगर ने तूफानी अंदाज में रन बनाए हैं और हर मैच में रन बनाए हैं। सिर्फ 7 मैच में ही उन्होंने 235 की स्ट्राइक रेट से 309 रन ठोक दिए हैं। अभिषेक पोरेल का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, लेकिन साई योप आउट ऑफ फॉर्म है। जैक फ्रेजर की वजह से डीसी का टॉप ऑर्डर बहुत दमदार लग रहा है। वहीं दोस्तों, बात करते हैं एलएसजी और डीसी के मिडिल ऑर्डर के बारे में। तो एलएसजी की तरफ से नंबर 4 पर दीपक हुड्डा, 5 पर निकलस पूरन, नंबर 6 पर आयुष बडोनी और 7वें नंबर पर कृणाल पांड्या दिखेंगे। जबकि डीसी की तरफ से नंबर 4 पर ऋषभ पंत, नंबर 5 पर टिस्टन स्टब्स, नंबर 6 पर गुलाबदीन नैब और 7वें नंबर पर अक्षर पटेल उतरेंगे। मिडिल ऑर्डर में अभी दोस्तों डीसी और एलएसजी का पलड़ा बराबर लग रहा है। मिडिल ऑर्डर में एलएसजी की तरफ से सिर्फ निकोलस पूरन जबरदस्त फॉर्म में हैं और हर एक मैच में रन बना रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आयुष बडोनी ने भी शानदार बल्लेबाजी से इम्प्रेस किया है, लेकिन कृणाल और हुड्डा फैल रहे हैं। जबकि डीसी की तरफ से पंत और स्टब्स धमाकेदार फॉर्म में हैं। इस सीजन में पंत 413 और स्टब्स 318 रन ठोक चुके हैं, लेकिन अक्षर पटेल रन नहीं बना पा रहे हैं। ऐसे में मिडिल ऑर्डर में अभी दोनों टीमें बराबर हैं। मिडिल ऑर्डर के बाद दोस्तों, बात करते हैं दोनों टीमों के लोअर ऑर्डर की। तो एलएसजी की तरफ से 8वें नंबर पर रबी बिश्नोई, नंबर 9 पर नबीन उलक, 10वें नंबर पर यश ठाकुर और 11वें नंबर पर मोहसिन खान उतरेंगे। जबकि डीसी की तरफ से नंबर 8 पर कुलदीप यादव, 9 पर मुकेश कुमार, 10वें नंबर पर शांत शर्मा और 11वें नंबर पर खलील अहमद दिखाई देंगे। लोअर ऑर्डर को कंपेयर करें तो दिल्ली आगे दिखाई दे रही है। एलएसजी के गेंदबाजों की हालत इस सीजन में कितनी ख़राब है, ये हम एसआरएच के खिलाफ पिछले मैच में अच्छे से देख चुके हैं। एसआरएच के ओपनर्स ने सिर्फ 9.2 ओवर में 168 रन ठोक दिए थे। पूरे सीजन में एक भी गेंदबाज अपनी गेंदबाजी से इम्प्रेस नहीं कर पाया है, जबकि दिल्ली की गेंदबाजी एलएसजी से तो बेहतर है। सेकेंड हाफ में उसके गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की है। मुकेश कुमार और खलील अहमद पावर प्ले और डेथ ओवर्स में रेगुलर विकेट निकाल रहे हैं, तो वहीं कुलदीप मिडिल ओवर्स में अक्षर के साथ मिलकर फिरकी से कैर बरपा रहे हैं। इसलिए लोअर ऑर्डर में डीसी का पलड़ा भारी है। दोस्तों, ओवरऑल लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच प्लेइंग 11 कंपैरिजन करें तो डीसी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आपके हिसाब से कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।